क्वेश्चन है, 175 विद्यार्थियों की कक्षा में छात्रा छात्राओं का अनुपात 4:3 है, इसमें कितना छात्राओं को और नामांकन किया जाए कि छात्रा छात्रा का अनुपात 5:6 हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे छात्र और रेशियो छात्रा, राइट, या बॉयज़ या गर्ल भी लिख सकते हैं, राइट। तो इनका अनुपात कितना दिया है हमें, 4:3 दिया है। कह रहे हैं कितनी छात्राओं को और बढ़ा लिया जाए कि छात्र छात्राओं का अनुपात 5:6 हो जाए, कितना हो जाए, 5:6। तो छात्राओं को और बढ़ाना है हमें, तो हमें क्या करना है, छात्र को हमें सेम करना है। सेम करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम 4 से, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें दिया क्या है, टोटल हमें दिए हैं 175 विद्यार्थी, तो टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल कितने हो गए, 5 × 20, ये कितने हो गए 20, और ये कितने हो गए 15। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 20 और 10 30 और 5 35, 20 + 15 कितने हो गए 35। तो टोटल छात्रों की तुलना टोटल छात्रों से, 175 छात्र हैं तो 175, और इसके हम भाग किससे करेंगे, टोटल छात्राओं से, छात्र हमारे 20 हैं और छात्राएं हमारी कितनी हो गई 15, तो 20 और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया, 35 आ गया। अब रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उससे हमने क्या किया, भाग किया, और जो पूछा है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पूछा हमसे क्या है, कितनी छात्राओं को और बढ़ा लिया जाए, यानी कि पहले छात्रा कितनी थी 15, और फिर कितनी हो गई 24, तो यानी कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, तो यानी कि हम 9 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट देंगे 35 × 175, 9 × 45, यानी कि कितनी छात्राओं का नामांकन किया जाए, 45 छात्राओं का और नामांकन कर लिया जाए, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका।